हेलो दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्ट मेक के अंदर। तो दोस्तों, आज हमारा एक नया टॉपिक है कैसे हम बैक लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम क्वेरा से काफी ज्यादा अमाउंट में ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम क्लियर बात कर लेते हैं, ये वीडियो होने वाली है कुछ मात्रा में 10 मिनट या 15 मिनट लॉन्ग। तो अगर आपके पास फ्री टाइम नहीं है ना, तो आप प्लीज यहीं पर स्किप कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं आपको फुल्ली डिटेल के अंदर जाके आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैं अपने पर्सनल टिप से, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कैसे आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपने, पहली बात है, अगर आपने मेरी वेबसाइट नहीं चेक की है तो चेक कर लीजिए पहले, जो कि वेबसाइट का नाम है techremake.com। तो आपको इसके ऊपर हर प्रकार के ट्यूटोरियल्स हो गए, हाउ टू हो गया, कॉन्टेक्टर्स, यानी कि अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, अबाउट अस में जाके प्राइवेसी पॉलिसी हर प्रकार चेक कीजिए, हमारी वेबसाइट से रिलेटेड, हमारे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड आपको हर प्रकार की नॉलेज मिलेगी यहाँ पर दोस्तों। जैसे मैंने रिसेंटली डाला है 3 बेस्ट डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, अपग्रेड कैसे कर सकते हैं हम 9.10 से लेके 20.04 से। तो दोस्तों, हम इसके ऊपर वेस्ट मटेरियल नहीं, हमारा पर्सनली खुद यूज किया हुआ एक्सपीरियंस से हम डालते हैं इसके ऊपर। तो सेकंड नंबर पर अगर आप कुछ चेक करना चाहते हैं तो आप हमारा जो कि है टेक्रीमेक का इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट चेक कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको हमारी तरफ से हर प्रकार की नॉलेज, जैसे कि आप जानती हैं, मैं आपको कुछ पोस्ट भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार की पोस्ट डालते हैं हम, आपको कुछ ऐसी टिप्स देते हैं जो आपको कोई भी नहीं दे सकता है, इंस्टाग्राम के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन बताई थी, कैसे कुछ गैजेट से रिलेटेड भी वीडियोस हमने डाली हुई हैं, ये अभी अभी न्यू डाली हैं हमने कुछ रिसेंट टाइम पहले ही, तो हमने इससे रिलेटेड भी डालते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो थर्ड नंबर पे आता है वो जो मैं आपको अभी शो नहीं कर सकता, हाँ शायद टेलीग्राम, जी हाँ, तो आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं, जहां पर मैं आपको ऑफिशियल प्लगइन्स हो गए या किसी प्रकार का जो डाटा मैं आपको पब्लिकली नहीं दे सकता वहां पर दे सकता हूं, क्योंकि वो इंस्क्रिप्टेड है। पर मैं इलीगल डाटा नहीं दूंगा, पर मैं आपको कुछ ऐसा डाटा दूंगा जो आपको लोग फ्री में नहीं दे रहे हैं, वो भी वायरस फ्री देने की फुली कोशिश करूंगा मेरा बेस्ट देकर। तो दोस्तों, अब रही बात, हम मेन टॉपिक पे आते हैं, ये कुछ मेरी प्रमोशन से रिलेटेड हो गया, इससे रिलेटेड हो गया थोड़ा सा। तो अगर हम वापिस हमारे टॉपिक पे आते हैं, तो जो बात थी हमारी थी वो थी एसईओ रैंक कैसे कर सकते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जो पॉइंट रहेगा वो होता है क्वेरा का, कि हम इससे, इस वेबसाइट से लेकर कैसे मैं मेरी वेबसाइट की जो है रैंकिंग बता रहा हूँ, हर चीज मैं इससे रिलेटेड कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था कि जिसके साथ मेरा, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं जीरो से आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अकाउंट क्रिएट करूंगा, हर चीज जीरो से रिलेटेड एवरीथिंग मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल है जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि मैंने आपको अब तक दिखाया भी नहीं है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ऊपर जाकर भी आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको रिसेंट वीडियो भी दिखाऊं, अभी मैंने न्यू ही शुरू किया है, मैं कुछ पुराना नहीं हूँ इस फील्ड के अंदर, यूट्यूब के अंदर मैंने अभी न्यू चैनल शुरू किया है, क्योंकि मेरे को लगता था कि अकेला टेक्स्ट पढ़ने से आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो ट्यूटोरियल्स भी हो जानी चाहिए, तो इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है दोस्तों। तो आप मेरा जो कि है यूट्यूब चैनल भी चेक कर सकते हैं, और आप उसके ऊपर अगर रिसेंटली वीडियोस देखेंगे तो मैं वेस्ट वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो आपके काम आ सकती हैं उससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं दोस्तों। तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरा चैनल देखिए, मैंने कल ही वीडियो डाली थी, हाउ टू हाइड अ पोस्ट फ्रॉम होम पेज कैटेगरी पेज वर्डप्रेस के अंदर। तो दोस्तों, ये काफी ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि जैसे कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर, देखिए वीडियो ड्यूरेशन 7 मिनट्स की है, मैं ये नहीं कि अपना टाइम पीरियड इंक्रीज करता हूँ, नहीं दोस्तों, मैं आपको मेन मेन पॉइंट बताता हूँ जो मेरे, जो आपके लिए भी जरूरी हो सकते हैं, मेरे लिए भी जरूरी है बताना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पहले खुद यूज करता हूँ, ट्राई करता हूँ, तब जाकर शेयर करता हूँ दोस्तों। तो ये मेरे कुछ ऐसी वीडियोस हैं, तो मैंने यूट्यूब एसईओ के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उससे रिलेटेड भी, मैं, मेरा जो टेलीग्राम पर है वहां पर कमेंट्स आए थे। तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, देख सकते हैं 15 वीडियोस हैं, 698 सब्सक्राइबर्स हैं। तो दोस्तों, चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, आखिर क्वेरा है क्या? तो दोस्तों, अगर हम क्वेरा की बात करें तो क्वेरा जो है एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, और कुछ लोग हैं जो इसका ऊपर आंसर देते हैं। तो अगर हम इंटरनेट के ऊपर सर्च करें दोस्तों,
तो ये आ गया मैं क्वेरा के ऊपर। तो आप क्वेरा की अगर वेबसाइट की विकिपीडिया या गूगल पर्सनल एक्सपीरियंस से देखेंगे तो जो क्वेरा है वो एक इंटरनेशनल क्वेश्चन एंड आंसरिंग वेबसाइट है, जहाँ पर लोग अपने क्वेश्चन पूछते हैं, एडिटर्स को फॉलो करते हैं, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनका आंसर भी आप जान लीजिए कि क्या क्वेरा सेफ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली सेफ है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हर जो लोग है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि जो उस बंदे ने बात बताई है कि वह 100% प्रूफ्ड है या ऐसा कुछ। तो हम वो ये खुद भी नहीं कहते हैं कि ये ऐसा कुछ है। तो दोस्तों आपको खुद की पॉइंट ऑफ व्यू पे खुद ही श्योरिटी क्रिएट करनी पड़ती है कि हाँ ये सही हो सकता है या गलत है। ये वेबसाइट कभी भी नहीं कहती, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपना क्वेश्चनिंग रख सकता है और आंसरिंग रख सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है हु ओन्स द क्वेरा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडम डी एंग्लो जो कि हैं वो फाउंडर हैं क्वेरा के। और अगर आप इनका देखें तो इन्वेस्टमेंट और शेयर होल्डर हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में बड़े हैं, रिडक्टर लिंक्डइन से भी काफी ज्यादा मात्रा में। अगर आपको सिंपली एग्जाम्पल के साथ बताऊँ, अगर आप कोई भी क्वेश्चन या किसी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको इजिली आप देखते हैं कि उससे रिलेटेड भी काफी चीजें जो कि है आपका कंप्यूटर यानी क्वेरा के क्वेश्चनिंग आ रही होती है दोस्तों। तो ये तो बात रहेगी क्वेरा की। तो क्या क्वेरा गूगल के द्वारा ऑन किया जाता है? नहीं किया जाता दोस्तों, नो, क्योंकि ये प्राइवेटली जो है हेल्ड कंपनी है दोस्तों। तो क्वेरा कैसे मनी कमाता है? तो क्वेरा के अगर हम देखें तो वो किसी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट से मनी नहीं कमा रहा है, वो कोई भी एडसेंस नहीं यूज कर रहा है, किसी प्रकार की एफिलिएशन मार्केटिंग नहीं यूज कर रहा है दोस्तों। क्वेरा एक अपने आप में बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं काफी ज्यादा मात्रा में बड़ी जो एक कंपनी बन चुकी है, जिसका खुद के अपने स्टॉक्स हैं, खुद के शेयर्स हैं दोस्तों। तो ये इनका डेली का इन्वेस्टमेंट करोड़ में या मिलियंस डॉलर्स में कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं, अब हम इस टॉपिक को ओवर करते हैं। तो चलिए अब हम मेन पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं। तो दोस्तों पहले अब मैं आपको क्वेरा का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट अ क्वेरा अकाउंट। तो जैसे कि मैं अपना गूगल के साथ कंटिन्यू कर लेता हूँ, आप अपनी जीमेल के साथ जैसे भी करना चाहें तो आप वहां पर अपना कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मेरा जो जीमेल आ चुका है, ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैंने, आप रिसेंटली देखेंगे, मैंने गूगल के बेस के ऊपर क्वेरा का अकाउंट बनाया। आप अपने फेसबुक से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, हर प्रकार के जिससे भी आप कंटिन्यू करना चाहें। तो आप देख सकते हैं ये मेरा न्यू अकाउंट क्रिएट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप जानती हैं कि आज के टाइम में 2020 के अंदर, तो दोस्तों अगर आप देखें तो आज के टाइम में वेबसाइट काफी ज्यादा मात्रा में बन चुके हैं। अगर हम 2015 से पहले देखें तो काफी ज्यादा लो कंपटीशन कह सकते हैं हम, जिनको एसईओ की नॉलेज थी तो उनके लिए। पर दोस्तों आज बड़े बड़े एसईओ एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी एक वेबसाइट को रैंक कराने के में इम्पॉसिबल कह चुके हैं कि उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें आती हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिंपली एक टिप बता रहा हूँ, ये बाय लक मेरे लिए तो ये 100% काम कर रही है, शायद आपके लिए भी ये काम करे। तो आपको अपना इंटरेस्ट बताना है, जिसके अंदर आपको 10 चीजें सिलेक्ट करनी है। मेरे को टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है दोस्तों, मेरे को साइंस के अंदर इंटरेस्ट है, मेरे को बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है। तो आपको कोई भी अपनी मनपसंद 10 चीजें सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं टेक्नोलॉजी ट्रेंड, स्मार्टफोन, मोबाइल टेक्नोलॉजी, द इंटरनेट, एप्पल कंपनी और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपको और भी करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है दोस्तों। तो आगे ये अब चलता है, तो आगे ये पूछेंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास काफी ज्यादा डेवलपर हैं, काफी ज्यादा ये न्यूज है जिनके ऊपर हम थोड़े से ट्रस्टेड हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको 5 फॉलो करने हैं कम से कम। तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं जाऊंगा, जो मेरे को इसके ऊपर जाऊंगा मैं, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। मैं एप्पल आईफोन के ऊपर क्लिक करूंगा, थोड़ा सा डिजिटल नॉलेज के ऊपर जाना पसंद करूंगा मैं, एंड्रॉइड एप्स रिलेटेड वो, एंड रैंडम पोस्ट के ऊपर जाएंगे हम। बिजनेस में देख लेते हैं हम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैं फर्स्ट। ये मैं पर्सनली अपने लिए कर रहा हूँ, जो कि मैं अभी से अकाउंट को मेन, तो मैंने डन किया मेरा। थोड़ा सा स्पोर्ट्स के अंदर भी देख लेते हैं हम, इंग्लिश वर्ड्स, लाइफ एंड पॉलिटिक्स, डन।
तो ये मेरी पर्सनल फील्ड यानी इस टॉपिक से रिलेटेड ही मेरे को अब ये जो कि है मेरे को दिखाने वाला है कि क्या कुछ मैंने जो क्या कहते हैं जो मैंने इसे अप्रूव किया है, जो जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किए हैं उससे रिलेटेड। तो दोस्तों ये मेन इंटरफेस कोयरा का जो भी है आपके सामने इन्होंने पेश कर दिया है, मेन इंटरफेस है जो कोयरा का। तो दोस्तों इन्होंने आपके सामने पेश किया है, यहाँ पर अगर आप इनके मेन्यू देखें तो होम आंसर ठीक है नोटिफिकेशन यहाँ पर स्पेसिस है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने आपके सामने काफी ज्यादा देखिए मैंने क्या किया था एनी थिंग फ्रॉम एनी वेयर इससे रिलेटेड जो भी पोस्ट थी इन्होंने मेरे को शेयर की। व्हाट आर द सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द क्रिएटिविटी, तो यहाँ पर किसी इंसान ने एग्जांपल दिया। अभी तक इसे 18 अपवोट मिले हैं ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब मैंने हमने पहले एडवर्टाइजमेंट की बात की थी कोयरा के अंदर, जो कोयरा के अंदर है जो अगर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट, देखिए यहाँ पर इन्होंने ये पर्सनली एडवर्टाइजमेंट है, ना कि ये गूगल एड की एडवर्टाइजमेंट है, ये किसी की भी ये वेबसाइट, ये जो वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी जिनके आज खुद के शेयर्स हो सक चुके हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और आपस में ही करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे फेसबुक के ऊपर काफी सारे, जैसे कि हम टिकटॉक का एग्जाम्पल देखें, आजकल टिकटॉक के ऊपर फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्टाग्राम की चल रही है, यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर टिकटॉक की एडवर्टाइजमेंट कर चल रही है, जिसे हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफर चल रहा है इन दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ। तो अगर हम देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन आया है, कैन योर फोन गेट हैक्ड थ्रू इंस्टाग्राम, तो यहां पर 7 आंसर हैं दोस्तों। अब हमारा मेन काम शुरू होता है, 7 आंसर हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, अब मेरे को लिंक कैसे बनाना है, तो मैं आंसर के ऊपर क्लिक करूंगा यहां पर। तो इन्होंने कहा है कि आप भी अपना आंसर दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा और मेरा कुछ जो लिंक है मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट की प्रमोशन करूंगा दोस्तों। जैसे कि अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन बी और इट कांट बी। तो मैंने ये लिखा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर अब डालूंगा फुल स्टॉप और मैंने यहाँ पर एक लाइन खत्म की। तो कोशिश कीजिए आप जितना बड़ा हो सकता है उससे रिलेटेड लिखें, जिसके कारण कि जो आपका आंसर है वो टॉप पे आए। तो मैं यहाँ पर एंटर क्लिक करूंगा दोस्तों। अब मैंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट चीज व्हाई इट कैन बी। तो दोस्तों पहली बात है मैंने इनको सीधा सा कह दिया है कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि मैं किसी की बात कर रहा हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा व्हाई इट कैन बी बिकॉज वी ऑल नो दैट टुडे पीपल सफर टुडे पीपल डेली यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स एंड वेबसाइट्स इन देयर मोबाइल फोन एंड द चांस of virus is there। तो मैंने यहां पर लिखा कि वायरस के कारण ये हो सकता है, जिसके कारण ड्यू टू विच योर फोन कैन बी हैक्ड एंड इफ your
फोन इज हैक्ड देन एवरी एवरीथिंग इन योर फोन विल बी हैक्ड इवन Instagram also. तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना पहला पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर लोगों के सामने कर दिया है कि why it can be. तो यहाँ पर मेरे कुछ mistakes हैं तो मैं इन्हें clear कर लेता हूँ. चलिए mistake चल जाएंगे हमें इसे clear करा है तो मैं यहाँ पर space create कर दूँगा. अब मैं दोस्तों क्या करूँगा मैं यहाँ पर simple सा देखिए दोस्तों अब मेरा जो मेन पॉइंट आता है इसके साथ मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करूंगा फॉर सॉरी योर फोन एंड लैपटॉप वेयर्स एंड मोर कंप्यूटर टिप्स टू चेक माय तो दोस्तों अपना चेहरा लिख दिया तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ मैं अपना परफेक्ट रीमेक ले लूंगा और उसे कन्वर्ट करूंगा तो मैं टेक रीमेक प्रेफर करूंगा. यहाँ पर अंदर दिक्कत नहीं है दोस्तों एक्चुअली ये काफी सिलेक्ट करूंगा तो मैंने इसे सिलेक्ट किया लिंक का ऑप्शन है तो आपको क्या करना है यहाँ पर लिंक ऐड करूंगा टैग नेम तो मैं यहाँ पर सिंपली ऐड उसको अभी यहाँ लिंक कोई लिंक जो थोड़ी देर में ब्रेक लाइन के ऊपर कोई भी इस अगर चाहे को एक वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज हो तो बिना बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मैंने अपना एक बढ़िया ब्लैक लिंक कर लिया है दोस्तों. इस काफी ज्यादा मैंने सबसे पॉइंट देते हैं उसका 10% इस पर डायरेक्ट लोग से लेकर सभी अन्य प्रमोशन के साथ है बाकी क्या पड़ेगी ये चांसेस 95% है मैं किसी को ऊपर जो गया लैपटॉप को सेव करने की चाहे वो मेरी वेबसाइट पर सेंड जाएगी या यहां पर उसी में अच्छा रैंक के अंदर आने के 50 हाई वर्ल्ड तो उसकी जो नाम है जो इसके वर्ड्स हैं वो ओनली रैंक है. मैं यहां पर टैग आपने देखा कि कैसे मैंने अपना एक ब्लैक लिंक काफी ज्यादा सिर्फ अपना जो है एक ब्लैक लिंक बहुत ही ज्यादा मात्रा का लेकिन यहाँ पर चीज बना रहे हैं काफी मात्रा में तो क्वेश्चन पर आपका आंसर काफी ज्यादा मुश्किल होगा इतना लग जाता है तो आप दोस्तों आपकी प्रॉब्लम हमें जरूर बताइए और वीडियो तो वो भी हमें जो मैं कहता हूँ मेरी वीडियो बंद की तो स्टॉप कर देते हैं अभी इसे